हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई विश आप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत गर्मी हो रही है, फैन चला नहीं सकती हूँ क्योंकि आवाज आएगी उसकी गड़गड़ गड़गड़। तो आज मैं करने वाली हूँ ज्वेलरी हॉल, जो कि मैंने मीशो एंड एक फ्लिपकार्ट से मंगाई है। जो ये मैंने पहन रखी है फिलहाल, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ग्रेस कलर है। मैंने इस पे पहन तो ली, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसमें तो गोल्डन सा कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, और ये मैंने ग्रे वाली पहन ली। बट मैंने कहा अब इसको उतारूंगी, फिर मैं दोबारा आपको पहना के दिखाऊंगी, तो इससे अच्छा पहने रहती हूँ। सबसे पहले मैं इसका ही रिव्यू कर दूंगी झटपट से। तो विदाउट एनी डिले आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपनी फ्रेंड के साथ, क्योंकि वेडिंग सीजन आ चुका है और वेडिंग सीजन में ज्वेलरी और बैंगल्स और बहुत सारी एक्सेसरीज परचेज करना तो बनता है। तो जैसे कि मीशो पे सेल भी चल रही है, नहीं भी सेल चल रही है, तो मुझे तो लगता है कि सेम ही प्राइस रहते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये वाला जो सेट है, वात्सल्य ज्वेलरी सेट है, ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। आप ध्यान से देख लीजिए इसका डिजाइन, और इसके ये इयररिंग्स हैं, ये इसका मांग टीका है। तो जैसे सोच के मैंने मंगाया था वैसे तो ठीक है, थोड़ा सा चुभ रहा है, और जैसे कि ये ना ये बहुत जड़जड़ है एकदम, मतलब जैसे ये डिजाइन इसका है ना, तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं अपनी जगह से, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, जड़जड़ा टाइप का है। तो इसका अमाउंट है 400 रुपीज, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। अब मेरा लहंगा है थोड़ा स्काई ब्लू में, थोड़ा सा ग्रे एंड पिंक सा कलर है, तो मैंने सोचा ये वाला ना कॉन्ट्रास्ट में अच्छा जाएगा और भी मतलब लहंगे वगैरह पे चल जाएगा। ओ माय गॉड कितना चुभ रहा है। तो मैंने ये मंगा लिया, बट मुझे उतना खास जमसा नहीं रहा है, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। मैं देखूंगी एक बार उस लहंगे के ऊपर, मतलब कॉन्ट्रास्ट मैच करके देखूंगी, अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको रिटर्न भी कर सकती हूँ। वैसे ठीक है, अगर आपके पास कोई ग्रे कलर में जा रहा है तो आप परचेज कर सकते हैं, बट हाँ इसकी जो अनबॉक्सिंग, इसकी जो पैकेजिंग थी वो बड़ी ही खराब थी। कम से कम आप 400 रुपये का सेट दे रहे हो, एक डब्बा तो कम से कम सही से दे ही सकते हो, डब्बा तो टूटा हुआ आया है, क्या बताऊं बस मैं आपको, ये सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है मेरे साथ। और चलिए ये वाला तो आपको दिखाते के साथ ही मतलब हो गया रिव्यू फर्स्ट टाइम पे। सेकंड है नेकलेस सेट ग्रीन कलर का, तो वो ग्रीन कलर का सेट मैंने परचेज किया था मीशो से, 370 to 390 के मिडिल में था, और उसका जो पूरा लुक है वो यहां मैं कॉर्नर पे या यहां पे मेंशन लगा दूंगी, मतलब तो आप देख लेना कि क्या लुक आ रहा था। तो गाइज इस सेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसे कि ये है, इसमें यह है कि जड़जड़ा सा है, मतलब ये मुड़ भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पापड़ टाइप का हो, और मतलब जरा सा भी अगर इसको हल्की सी भी मोड़ने की कोशिश की या प्रेशर लग गया तो ये बिखर जाएगा बिल्कुल। तो उसमें क्या था, उसमें अंदर जैसे तार रहते हैं ना एल्यूमिनियम के तार, उनको जैसे पीछे से ऐसे घुमा देते हैं तो साइड उनका जो कॉर्नर है वो खुला रह जाता है। गाइज लिटरली उस टाइप की उसमें मतलब फिनिशिंग थी। अब जब मैंने उसको पहना, लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और इसीलिए मैंने उसको मंगाया था मीशो, बट जब मैंने उसको पहना ना तो वो इतना चुभ रहा था, इतना चुभ रहा था, और उसके ना थोड़े मोती वगैरह भी निकले हुए थे। तो इसलिए अभी वो मेरे पास दिखाने के लिए आपको नहीं है, बिकॉज मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अगर आप लुक वाइज अच्छा है, अगर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी चुभने वाली शक्ति है आपके पास झेलने की, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। लुक वाइज तो अच्छा था, बट वो बहुत ज्यादा चुभ रहा था। पता नहीं मेरे सेट में ऐसी प्रॉब्लम थी या सभी सेट में वो इसी तरीके से फिनिशिंग करते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। और उसका जो पार्सल आया था वो भी चूहों ने कुतर रखा था। मतलब क्या हो रहा है, मैं पूरा का पूरा सेट मंगा रही हूँ 300, 400, 500 वाले, उसमें प्रॉब्लम ही आ रही है। दो मंगाए, दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई ही है। ये तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा ये है कि जड़जड़ है, उसको तो जला जा सकता है, लेकिन वो तो चुभ रहा था। ये चलो ये है कि अगर इसको रख लेंगे कैसे ना कैसे करके, बॉक्स ले लेंगे उसमें ऐसा सेट कर लेंगे, बट उसको कैसे मेंटेन कर सकते थे, आई जस्ट कांट टॉलरेट, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट दिखाती हूँ, जितने महंगे मंगा रही हूँ उतनी गड़बड़ आ रही है, जितने सस्ते मंगा रही हूँ वो सही आ रहे हैं। सो ये नेक्स्ट है ये रेड कलर का, और ये रेड कलर का मेरा ख्याल से 150 to 200 के समथिंग था। ये भी अच्छा है, इसमें कंप्लीट है पूरा, तो ये इसके साथ ज्यादा जा रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। तो ये इसका नेकलेस सेट है, और ये इसके इयररिंग्स हैं, और ये इसका मांग टीका है। सो गाइज ये वाला इसके साथ कुछ ज्यादा ही मैच कर रहा है,
मुझे ये वाला ही पहनना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, देख सकते हो आप। पहन के दिखाऊं क्या? अब इसको पहनना उतारना ना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप पहन के दिखा देती हूँ, तभी तो आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि मतलब कैसा लुक आएगा। इसको उतार के रख देती हूँ। ओ माय गॉड, कितना हैवी है। तो मैं अभी इसको पहन के आपको दिखाती हूँ कंप्लीट लुक। तो ये देखिए इसका फाइनली लुक। इसमें तो मुझे ना पीछे हेयर पिन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, तो पीछे तक आराम से इजीली टक हो गया। बहुत लॉन्ग थी इसकी डोरी। ये इसके इयररिंग्स है। इसका इयररिंग मतलब इसका एक इयररिंग तो बिल्कुल सॉफ्ट था, मतलब एक इयररिंग ना ऐसे मुड़ा हुआ था, फिर मैंने उसको ठीक किया भी तो मतलब थोड़ा सा मतलब जैसे वो हट जाता है ना, मतलब पॉलिसी वो हट गई थी, लेकिन उतना पता नहीं चल रहा है। फोटो में भी आपको पता नहीं चल रहा होगा, वीडियो में भी पता नहीं चल रहा होगा। तो ये देखिए ये है फाइनल लुक, और ये मेरे इस वाले सेट के साथ काफी अच्छे से मैच हो रहा है, तो ये भी अच्छा है। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट मंगाया है मैंने ये, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा यूजफुल है कह सकते हैं, बिकॉज जैसे आपको जूड़ा बनाना है झटपट, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब भी शादी वगैरह होती है इतना टाइम कहाँ मिलता है कि हम प्रॉपर हेयर स्टाइल बनाएंगे घंटों तक, या तो आप पार्लर में तैयार हो क्या हो। तो जैसे चूड़ा बनाना है, फटाफट से एक लैसे ला के चूड़ा बनाओ और उसके ऊपर ये ऐसे टक कर लो, बस दैट्स इट। और ये देखिए फाइनल लुक दिख रहा है आपको, प्रॉपर तरीके से घूम के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो आई विश आपको दिख गया होगा जिस तरीके से मैंने बैठे बैठे घूम के दिखा दिया। नेक्स्ट दिखाती हूँ। इसका अमाउंट 100 समथिंग था, आई थिंक 99 कुछ का था। नेक्स्ट दिखाती हूँ भाई, सबसे पहले यही दिखाती हूँ जो इतना चुभ रहा है। तो नेक्स्ट मैंने मंगाया था कमर बंद, जो कि 138 रुपीज का था। इसका प्राइस मुझे पूरा कंप्लीट याद है, मीशो से ही मंगाया था। तो भाई ये देखिए, आई मई ये है कमर बंद, जो कि तिरछा हो गया है बैठने की वजह से, तो मेरी सारी प्लेटें वगैरह खराब हो गई हैं बैठने के चक्कर में। ये इस तरीके का कमर बंद है, इस तरीके का लुक आएगा, बस दैट्स इट। ये तो मैंने आपको इजीली दिखा दिया, ये दिख रहा होगा आपको शायद ही। थोड़ा सा उठ के दिखाती हूँ कैसे क्या कर रही हूँ मैं। चलिए, तो मैंने आपको इतना दिखा दिया, अब नेक्स्ट क्या दिखाना था। हाँ, नेक्स्ट दिखाएंगे हम आपको एक और सेट है अभी, ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का। ये सस्ते तो ठीक आ जाते हैं, या और जो महंगे मंगाते हैं वो इतने मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आते, मैं क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये इतनी ऐसी पैकेजिंग में आया था, मतलब अभी मैंने जितने भी मंगाया ना, बॉक्स तो किसी में भी नहीं मिल रहा है, चाहे वो महंगे हों चाहे वो सस्ते हों। सो गाइस, ये है वाइट कलर का नेकलेस, जो कि ओनली एंड ओनली अंडर 100 रुपीज था। ये भी इसमें मैच कर रहा है। ये भी पहन के दिखाऊं क्या? गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये भी मैच कर रहा है यार, इस पे प्रॉपर मैच कर रहा है। ये देखिए ऐसा जाएगा ये, और ये इसके छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं क्यूट क्यूट से। तो इसको तो आप ऐसे देख लो यार, इसको पहन के दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब छोटा हल्का फुल्का सा है, इसको क्या दिखाना पहन के, अच्छा लगेगा मतलब कैजुअल सा लुक आएगा। इयररिंग्स तो सबके सेम ही होते हैं, फिर भी आपको अगर ये है कि नेक पे कैसा लगेगा, तो मैं एक बार आपको ऐसे ऐसे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, अरे यार सही हो जाए, इसके तो ये ऊपर नीचे ही हो रहे हैं इसके ऐसे, तो ये ऐसा लुक आएगा, ऐसा दिख रहा है आपको, इस टाइप का लुक आएगा ओनली। तो अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको, कुछ ज़्यादा ही मैंने परचेस कर लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि है ना, इस वीडियो को मैं शेड्यूल करके नहीं बैठी थी कि हाँ मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बस मैंने मेकअप किया, लुक किया था, और मैंने सोचा कि लुक तो कर ही रही हूँ, साथ में ज्वेलरी हॉल पेंडिंग है बना देती हूँ, नहीं तो मैं फिर भूल भी जाती हूँ। तो नेक्स्ट मैंने मंगाया था दो क्लैचर के कॉम्बो थे, व्हाइट पर्ल वाले क्लैचर थे, तो दो की जगह मुझे तीन क्लैचर मिल गए, बट दो तो ऐसे थे, एक तो सेम आया जो मैंने अभी अपने हेयर में लगा रखा है, दिखा देती हूँ ये वाला। अरे यार अब इसको लगाना भारी रहेगा, लग गया खैर, लेकिन बालों में चुभ रहा है यार।
बात है ये कि एसी अभी लगा नहीं है इस वाले रूम में, और फैन चलाऊंगी तो आवाज आएगी, इसलिए गर्मी को बर्दाश्त कर रही हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक तो कर ही देना कम से कम। तो अभी और कुछ रह रहा है क्या? मैं याद कर रही हूँ, और कोई ज्वेलरी रह रही है जिसका हॉल रह रहा है? और कुछ रह गया होगा तो नेक्स्ट हॉल बनाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।